वेलकम बैक टू द चैनल भाई लोग। तो अभी क्या सीन है, जब से एक्सयूवी ली है तो भाई उसका एक्सयूवी 300 उसका एवरेज आता है लोकल में 10-11 गया बस, ठीक है। तो वो यार बहुत भारी पड़ रही है, हाईवेज पे तो ठीक है 15-16-17 तक निकाल देती है, पर लोकल में बहुत बहुत कम एवरेज आ रहा। तो अभी ऑल्टो निकाली है वापस, सिलेंडर कर रखा था, सिलेंडर रखा है इसमें, और अभी सिलेंडर की टेस्टिंग कराने जा रहे हैं क्योंकि इसको सिलेंडर लगवाए हुए 3-3.5 साल से ऊपर हो गया और तब से सिलेंडर घर पड़ा हुआ था तो यूज़ भी नहीं किया। तो सिलेंडर की जो टेस्टिंग होती है वो कराने जा रहे हैं। तो टेस्टिंग का क्या है, मेरे घर के पास में है, मैं रहता हूँ भंगेल 102 और 81 मेट्रो स्टेशन के पीछे से एक रास्ता आया हुआ है। तो ये मेरे पीछे, अभी मैंने गोल चक्कर से टर्न लेके आया हूँ, तो पृथला गोल चक्कर है, पृथला गोल चक्कर से हम जाएंगे सेक्टर 71 की तरफ। तो बीच में एक स्कूल है DUV इंटरनेशनल स्कूल, उसके बिल्कुल बगल में जो है आपका ये जो टेस्टिंग सेंटर है वो है। अभी हम जा ही रहे हैं तो मैं आपको आगे जाके और बता दूंगा, एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दूंगा मैं। तो अब सीन ये है कि CNG लगाते हैं वापस। भाई कहाँ तो मैं मजे ले रहा था ऑल्टो में, 1 लीटर से 1 किलो CNG में 38-40 के आसपास का एवरेज निकाल रही थी। मरी से मरी भी अगर निकाल रही है, लोकल में भी निकालेगी तो 30-32 का तो कम से कम कहीं नहीं गया भाई। और कहाँ मैं 1 लीटर में एवरेज कितना निकाल रहा था, XUV में कितना निकल रहा है भाई, 10-12 का। तो मेरे को लगता है कि भाई ऑल्टो चला लो, लोकल में वर्थ है, तो अपनी ऑल्टो का वो कराने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी जैसे वहाँ जो भी होता है, कितने वो पैसे लेते हैं, कितना टाइम लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई पृथला गोल चक्कर से जैसे आगे आके मैंने वो लिया है लेफ्ट, तो ये पुस्ता रोड है, और सामने बोर्ड लगा हुआ है DUV इंटरनेशनल स्कूल का, वो सामने छोटा सा भी दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से अब यहाँ से हम हो गए लेफ्ट, ये बोर्ड लग रहा है DUV इंटरनेशनल स्कूल का, और यहाँ से हमने लेफ्ट ले लिया है पुस्ते पे। ये पुस्ते के ऊपर देख रहे हो DUV इंटरनेशनल स्कूल, और ये है CNG सिलेंडर टेस्टिंग। तो ये नीचे उतरते ये इन्हीं का वर्कशॉप बनी हुई है, ठीक है। चलो बाकी चलते हैं और वहाँ पे बात करते हैं। ये है भाई लोग सिलेंडर टेस्टिंग का इनका प्लेटफॉर्म, ये सिलेंडर हमारा पड़ा हुआ उधर वाला। बाकी अभी नंबर आएगा तो टेस्ट होगी फिर। भाई लोग ये मेरा स्टैंड है जो मैंने खोल के रखा हुआ था घर, अब इसकी सारे सिलेंडर की सेटिंग भाई पूरा बंदा गंदा हो गया, ये सारा सामान मेरे पास हमेशा रहता ही है। और अब आ गए पसीने गंदे वाले। सिलेंडर लगा दिया सेटिंग पे, और इसके अंदर से ये टपक टपक के देख रहे हो निकल रहा है जो, हाँ ऐसे टपक रहा है, ये इतनी गंदगी है ये निकल रही है इसके अंदर, मतलब बाकी सब में से निकली होगी। हो गया है CNG का काम पूरा, ठीक है जी। अब भैया हमारे ये पत्ती लगाने वाले हैं, और पत्ती लगते ही काम पूरा। तो भाई देखो पत्ती लगाने का ढंग भी देखा भाई का एकदम, मतलब पुराने बंदे ने क्या कहता है स्क्रू कसे हुए थे, उस बंदे ने बिल्कुल पत्ती वैसे रिबिट वाली टाइट कर दी है, साले कहीं जाएगी नहीं। तो जैसे एड्रेस मैंने आपको दे दिया था, ठीक है, लोकेशन में डाल दूंगा। और ये इनका है क्या कहते हैं ऑफिस। बाकी तो भाई लोग अपनी CNG का हो गया काम पूरा, ठीक है, टोटल खर्चा आया 1200 रुपये। और भाई लोग इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ये अपनी CNG लग चुकी है, टोटल खर्चा 1200 रुपये। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।